मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सड़क किनारे रहना खाना बनाने को मजबूर लोहपीटा समाज। ब्यावरा बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे लोहपीटा समाज के लोग बेघर हो गए। जब सड़क किनारे रहना खाना बनाने को मजबूर ब्यावरा नगर में विगत दिनों पूर्व आई बाढ़ से निचली बस्तियों में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, जिसका खामियाजा अभी तक लोग उठा रहे हैं। ऐसे में फिर कुदरत की कहर, शुक्रवार को भारी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। नगर के चारों ओर पानी ही पानी, जिसमें इंद्रनगर कॉलोनी में रहने वाले लोहपीटा समाज के लोगों के एक बार फिर से बाढ़ की कहर का सामना करना पड़ा। बाढ़ की दोहरी मार में उनका सब कुछ खत्म हो गया। उनका कहना है कि पिछली बार शासन से भी नाम मात्र 5,000 रुपये की राशि खाते में आई थी। अभी हाल ही में जो बारिश हुई उसमें भी हम लोगों का अधिक नुकसान हुआ है। हमारी लड़कियों की शादी होनी थी, शादी का सामान भी खरीद कर लाए हुए थे, जो बारिश की बाढ़ में पूरा बह गया। घर में जवान बेटा, बहू और छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर कहाँ जाएं? हमारी प्रशासन से मांग है कि हमें कहीं दूसरी जगह दी जाए, जिससे हम भी अपनी ज़िंदगी जी सकें। 40 साल हो गए रहते रहते ब्यावरे में, पर कभी किसी ने यूँ नहीं बोला कि तुम तुम्हारा सहायता करें, आवाज दिलवाएं, पट्टे दिलवाएं। इतनी बार तो पट्टे आ गए, पर उसने कभी यूँ नहीं बोला कि तुम ले लो। आपको पट्टे कहाँ के लिए अलाट हुए थे? वहाँ पे कचेरी कोर्ट के पास में जगह है, यहाँ के भी हुए, वहाँ के भी हुए, पर सरकार ने नगर कॉलोनी का और जब्त कर लेती है। जो आते हैं वो सब सामान जब्त हो जाता है। कौन जब्त कर लेता? मैं जो अध्यक्ष बनाना उसने हमें भगा दिया नगर पालिक से परसों के दिन। वो बोल रहे तो बच्चे बच्चे हमारे दम पे पैदा कर, हमारे दम पे पैदा नहीं। कौन अध्यक्ष ने बोला सर? फोन पुछवा नगर पालिक का, फोन पुछवा अध्यक्ष। चलो भगो यहाँ पे तुम्हारा क्या है? तो तुम्हें कोई देखते रहिए। DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।